तो मनीषा रानी अपने रीसेंट वीडियो में रिएक्ट करते हुए दिखे, जो एलविश यादव ने ये बोला था अपने एक इंटरव्यू में कि उन्होंने जो उनको अनफॉलो किया वो उनको बच्चों वाली हरकतें लगती है मनीषा रानी की। जहां उसी के ऊपर एक्सप्लेन करते हुए दिखी मनीषा रानी अपने रीसेंट वीडियो में कि उन्होंने क्यों अनफॉलो किया था एलविश यादव को, जिसके आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। उसने ही किया और उसने कहीं ना कहीं क्लियरली ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से मुझे कल रात से बहुत सारे टैग लोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर मनीषा आपने ऐसा क्यों किया। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो तो करेंगे ही, जो मेरे हेटर्स हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो आप लोग तो एक साइड का एक तरफ का जाने, लेकिन आई थिंक मेरे फैंस को हक है कि वो दोनों तरफ का बात जाने, फिर लोगों को जज करें। तो हम हाँ ये सच है कि मैंने एलविस को अनफॉलो किया, लेकिन इसका जो रीजन है वो हम आपको बताते हैं कि मैंने क्यों उसको अनफॉलो किया। तो स्टोरी ये है कि एलविस की फ्रेंड कटालिया एक डील लेके मेरी टीम के पास आए थे, हमें साथ में कोलैब करना था। एलविस ने कोलैब किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एलविस ने कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार सर का फोटो डाल दिया। एक दो घंटे के बाद जब हम वो कवर फोटो देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोलैब मैंने और एलविस ने किया था और वो वीडियो हम दोनों के प्रोफाइल में शो करा था। तो जब मेरा प्रोफाइल है तो उसमें मेरा फोटो भी आना चाहिए, क्योंकि हम और एलविस दोनों किए हैं। तो इस बात पे हम अपनी टीम को बोले कटालिया से बात कीजिए, इसको हम दोनों का फोटो रहना चाहिए कवर फोटो में। फिर मेरी टीम ने कटालिया से बात किया, कटालिया इवनिंग में बोले कि ठीक है हम चेंज करवा देते हैं। फिर इवनिंग से नाइट हो गया, कटारे ने बोला कि अभी एलविस फ्लाइट में 11:30 बजे वो आएगा, फिर हम खुद ही चेंज कर दे। फिर वैसे करते करते 1 बज गया, फिर मेरी टीम ने बात किया, तो फिर एलविस डायरेक्ट फोन लेके बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है भाई बताइए, अभी तो कवर फोटो चेंज नहीं होगा। मनीषा को बोलिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम वो कभी ऐसा कुछ करेगी तो वो अपनी फैमिली के साथ फोटो डाल दे। तो मुझे ये चीज़ बहुत मतलब मुझे लगता है बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम कभी भी अभिषेक के साथ एलविश के साथ कोई भी कॉलैब करेंगे तो हम शाहिद कपूर के साथ फोटो नहीं डाल देंगे, क्योंकि आप जिसके साथ कॉलैब किया उसका फोटो डालिएगा ना। लेकिन एलविश ने जिस तरीके से बोला कि अरे आप मनीषा को बोल दीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम वो करेगी तो वो अपनी फैमिली के साथ डाल दे, इस बार तो चेंज नहीं होगा, इस बार तो हम नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो मेरे प्रोफाइल में ठीक नहीं दिखेगा, मेरा कंधा दिखेगा, ब्ला ब्ला जो भी है। कवर फोटो 10 बार नहीं 100 बार चेंज कर दिया जा सकता है, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। तो मुझे लगा यार जिस जो सोशल मीडिया पे मनीषा और एलविश हैशटैग एलविशा चलता है, सारे इंटरव्यू में मनीषा मेरी अच्छी दोस्त है, हमारा बात होता है, ये सब वो बोलते रहता है, और अपनी दोस्त के साथ उसको एक कवर फोटो लगाने में किस बात का प्रॉब्लम है, हमको तो ये समझ में नहीं आया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करेगा तो वो उसके साथ ही फोटो डालेगा, लेकिन वो इतना बोलने के बाद भी उसने साफ साफ मना कर दिया कवर फोटो लगाने से। तो जब उसने साफ साफ मना कर दिया, मैंने फिर भी दूसरे दिन भी पूरी रात तक वेट किया, मुझे लगा चलो इसको खुद भी समझ में आएगा शायद वो कवर फोटो चेंज कर देगा, लेकिन दूसरे दोपहर तक उसने चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से फिर हम उसको अनफॉलो किया कि जो बंदा मेरे साथ एक कवर फोटो नहीं डाल सकता उसको ईगो पे लग गया इस बात की हम तो चेंज नहीं करेंगे। तो जब उसका ईगो है तो मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वही एलविश यादव उसी के बाद एक रील पोस्ट करते हुए दिखे अपने न्यू वीडियो का, जहां उन्होंने ये लिखा जरा सा वक्त क्या बदला, नजर मिलाने लगे जिनकी औकात नहीं थी वो भी सर उठाने लगे। तो आपके ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना।